हेलो एंड वेलकम बैक टू दिल्ली फूड नेस्ट। सो आज हम जा रहे हैं चाचे दी हट्टी फॉर अवर थर्ड एपिसोड ऑफ वर्थ इट और नॉट सीरीज। इस सीरीज में हम आपको लेके जाते हैं दिल्ली की फेमस स्ट्रीट फूड प्लेसेस में एंड बताते हैं इफ इट्स वर्थ योर मनी और नॉट। सो चलते हैं चाचे दी हट्टी एंड देखते हैं। तो छोले भटूरे की प्लेट तो आ गई है, लेकिन वहाँ पे भीड़ इतनी थी ना, वहाँ खड़ो के हम खा नहीं सकते थे गर्मी में भी, तो हम इसको लेके आ गए मॉल में, यहीं निकालेंगे और यहीं खाएंगे। तो सबसे पहले है ये ग्रीन चटनी, साथ में प्याज और हरी मिर्च। ये रहे छोले जो कि बहुत अच्छे से पैक करके दिए हैं यार। और यह है पिंदी चना, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, और खुशबू तो बहुत ही मस्त आ रही है और गर्म है। अब चाहिए मेरे को भटूरे। ये वैसे तो बहुत खुले हुए होते हैं, बट क्योंकि पैक थे तो बिल्कुल पिसक गए हैं। पहले तो खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि ये हैं आलू वाले भटूरे। फिलिंग तो देखो ठीक से नहीं की है और साइड्स में तो है ही नहीं, तो तोड़ते हैं और ट्राई करके देखते हैं टेस्ट कैसा है। बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट है भटूरे हमारे। और ये रहा पिंदी चना, साथ में लेंगे हम थोड़ी सी प्याज। गरम बहुत है लेकिन जल्दी खा के देंगे। जो हमारे छोले हैं वो बहुत ही स्पाइसी हैं, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। जो भटूरे हैं वो सॉफ्ट हैं, तो खाने में तो इसको बहुत मज़ा आ रहा है। इनके वैसे जो मसाले हैं वो अलग से भी देते हैं 90 रुपीज़ में 250 ग्राम, तो अगर आप चाहो तो घर पे भी जाके बना सकते हो, बट आई डोंट थिंक ये सेम टेस्ट मिलेगा आपको कहीं भी। बहुत ही अच्छे हैं इसके छोले, ऐसे छोले मैं सच बताऊँ तो और कहीं नहीं खाए। छोले भटूरे हमने बहुत जगह ट्राई किए हैं, बट यहाँ के बाकियों से बहुत डिफरेंट है टेस्ट में भी। और सबसे मेन बात, यहाँ के जो भटूरे हैं ना वो इतने अच्छे से फूल जाते हैं कि अंदर तक उसमें ऑयल नहीं जा पाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन यार अगर आपको फ्राइड खाना है तो उसमें ऑयल के बारे में तो नहीं सोचोगे ऑब्वियसली। तो एक बाइट और लूंगी मैं। टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन यार एक चीज़ जो मैं बहुत मिस कर रही हूँ ना, वो जो खुले हुए भटूरे आते थे ना, ऐसे हम कॉलेज टाइम पे जाके खाते थे आज से 1.5-2 साल पहले, उसकी बात अलग थी यार। वो टेस्ट में मज़ा ही अलग था यार, वो गरम गरम उसको ऐसे पंच करके जो हम खाते थे। बट अब ये लोग सिर्फ पैक कर रहे हैं कोविड की वजह से, वहाँ पे खड़े होके नहीं खा सकते हैं, तो बिल्कुल पिचक जाते हैं यार, वो स्वाद नहीं आ पाता। तो ये एक प्लेट का प्राइस है 70 रुपीज़, ये है आलू वाले। अगर आप सादे भटूरे लेते हो तो वो 65 रुपीज़ का पड़ेगा, बट टेस्ट के अकॉर्डिंग टू बी ऑनेस्ट प्राइस बहुत ही सही है, रीजनेबल ही है। क्वान्टिटी की बात करें, क्वान्टिटी भी भर के दिए एक बार, देखो यार कितने साल छोले दिए हैं। टाइमिंग की बात करें तो 8 AM से स्टार्टिंग है और 11:30 तक सब कुछ ख़त्म ही हो जाता है। हम लोग 11 बजे से लाइन में लगे थे, हमें 20 मिनट्स लग गए हमारे भटूरे आने में, और उसके बाद वो बोल चुके थे लाइन में अब और कोई नहीं लगना, क्योंकि उनके ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे भटूरे। तो अगर आपको ये खाने हैं तो बेस्ट टाइम रहेगा आपको 10 से 11 बजे के बीच यहाँ पे पहुँच जाओ, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी और इतनी दूर आने को भी फ़ायदा भी नहीं होगा। सो नाउ द मेन पॉइंट, इफ़ इट्स वर्थ योर मनी और नॉट। पूरी वीडियो देखे आपको समझ आ ही गया होगा, वी डेफिनेटली रेकमेंड दिस प्लेस, सो इट्स डेफिनेटली वर्थ एवरी हाइप। तो अगर आप कमला नगर के आसपास रहते हो तो यार ये ज़रूर ट्राई करना। सो दैट वॉज ऑल इन अवर वीडियो टुडे। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कॉमेंट करके बताना मत भूलना, एंड आगे के एपिसोड्स में हम क्या प्लेसेस एक्सप्लोर करें ये भी हमें ज़रूर बताना। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में मिल जाएगा हमारा फर्स्ट एपिसोड, उसको भी ज़रूर देखना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड इंस्टाग्राम पे भी जाके अभी फॉलो करो अगर ऑलरेडी नहीं किया है। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।